हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्पंदन। मु सुभ्रकांत आपण मानक अनेक अनेक स्वागत जनाउछि। सांग माने आमे आलोचना करथुले कृष्णचंद्र पाणिग्राहीकर लिखित जन्मभूमि प्रबंध टिकु। आज आमे यहार देखिबा पंचम भाग बा पंचम पर्व। सांग माने एठी आमे पाइबा जे श्रीकृष्णक सहित जो पल्लीर शिक्षित संप्रदाय तांक भितर केते केमिति तुलना होइछि से ता विषय आम आज जाणी। ता बाद जो लेखक शिक्षित समाज को कि परामर्श दौर से विषय आज आम जाना आरी करवानी आसतु आरंभ कर आज पाठ। तेज चलतु देखु अच्छी यही सबू कारण बहुपल्ली जननी आज से मानकर शिक्षित संतान को हर बसी तेल यही सबू कारण आम कौ कारण पूर्व भिडियो देखी थे जदि आप पूर्व भिडियो देखी ना आई बटन लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे आप देखि भल भाव बुझीजे जन्मभूमि प्रबंध टी के सुंदर भाव में लिखिंट गाँ कथा निज मटीमा कथा तेल यही सब कारण माने जो शिक्षित मनीष जो सांप्रतिक मनीष जो जन्मभूमि प्रति आज उदासीन हो जाए उदासीन मनोवृत्ति देखा बा नाना आलें आज सहर से जा बसवास कर जन्मभूमि को पार्श्वरी जा तथा जो निजर परंपरा संस्कृति को आज हृदयंगम कर पारना एवं ग्रामवासी मान जो कर्म योजना अच्छे से सामिल हो पार नहीं कथा ये प्राबंधिक कहते जे यही सब कारण पल्लीजननी गाँ माटी आज से मानकर शिक्षित संतान को हर बसी अर्थ बल हो भाग्य बल बाध्यवसाय बल जो मैंने शिक्षित रूपे उद्यमान हूँ सेमानन को संबंध रे पल्लीग्राम रे बहु कल्पना जल्पना चले। विद्यार्थी जीवन रे सेमाने पितामाता आशा भरोसार स्थल हो ग्राम वृद्ध मान प्रशंसार दृष्टांत हो ग्रामभूमि मंडन करी देखंतु केते सुंदर कथा कहिले। ताहले आमे देखुचे आज जो शिक्षित संप्रदाय सहराभिमुखी होइछि सहर रे जाई बसवास करुचि से किभली ताले शिक्षित होला ना ए गाँ माटी ताकु सिखेइछि ना नाई हाथ धरी लिखा शिखेजी तेल अर्थ बल पैसा बल बा भाग्य बल निजर सौभाग्य बल बा अध्यवसाय बल बा पाठ पढ़ा बा बहुत परिश्रम करी शिक्षित बा जो अध्यवसाय बल जो मैंने शिक्षित रूपे उद्यमान हूँ जो मैंने शिक्षित रूपे गाँव में बाहर से संबंध में पल्ली गाँव में से विषय आम गाँ मटी कौन हुए आम गाँ मटी आलोचना हुए विभिन्न कल्पना जल्पना हुए गाँवर वृद्ध वृद्धा माने से प्रशंसार दृष्टांत दिखती से प्रशंसा करती एवं पितामाता बहु आशा भरोसार स्थल हूँ से माने ना नाई किंतु जो माने ये शिक्षित हूँ गाँवर वृद्ध वृद्धा माने बा पितामाता माने भावती जे इन गाँप किसी करेंगे भविष्य में मो गाँ मटी इन किसी करेंगे व्यक्तिगत जीवन से माने विभिन्न बहुत मान आग को गले मो गाँ को बहुत आग को नहीं जी विश्व दरबार में परिचित कराइबे से शिक्षित गोष्ठी किंतु ना किंतु समय आसे जत कि ग्रामवासी मैंने देखार सुधा पाती ना तो देखु जो शिक्षित जो गाँव रू पढ़ी पिलाटीए बहुत भल पाठ पढ़ी जहाँ विषय गाँव में बहुत कल्पना जल्पना चले आ पु आ झी के सुंदर पढ़ुची ये बड़ चाकरी कर मान चाकरी कले गाँवर दुख बुझ लोक दुख बुझ किंतु ना समय भली आसे जो ग्रामवासी मैंने देखार सुधा पाती ना कहीं सहर चाकचक्यर आकर्षण ताक घेनी नहीं जाए सहर को दिने बाल्य जीवन मधुर स्मृति तार मानसपट उज्जीवित हुए ना 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 तेल आशा भरोसार केन्द्रबिंदु साजि गाँवर गौरव मंडित होता बा कुमारी मान अपांगर केन्द्रबिंदु साजि जो शिक्षित व्यक्ति पल्ली शिक्षित हो ज्ञान अर्जन करी पल्ली विमुख हो जाती पल्ली छाड़ी पलाऊँच गाँ छाड़ी एक स्वतंत्र सभ्यता सृष्टि करुँचि माने आमर प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही कृष्ण सहित किभली तुलना करें देखा जो पल्लीर शिक्षित संप्रदाय और श्रीकृष्ण मध्य जो जुक्तियुक्त तुलना कर प्राबंधिक ताकि देखा देखु जे कृष्ण तीन दिन को कंट कर मथुरा को चिरदिन चलीगला भरी माने कृष्ण तीन दिन को कंट कर मथुरा को चिरदिन चलीगला परी से माने सबुदिन ग्रामभूमि छाड़ी चली आसती कृष्ण कथा देखिबा ना महाभारत
जी कर्णधार थिले ना नाई महाभारतर कर्णधार श्रीकृष्ण ताहले से श्रीकृष्ण कौन करथिले तीन दिन पाई कंट करी तीन दिन पाई नियम करी तीन दिन पाई कही आसीथिले मथुरा को मामू कंसकर धनुजात्रा देखिया पाई किंतु सबु दिन पाई गाँ भूमि ना नाई गोप वृंदावन को छाड़ी चली आसीथिले माँ जशोदा को छाड़ी चली आसीथिले प्रीतिमयी राधा को छाड़ी चली आसीथिले ना नाई दिने गोपपुर जी स्वप्न देखाउले समस्त को जमुना कूल कदम मूल गोपी मान कथा दे कृष्ण आज गाँ छाड़ी चली आस मथुरा को तीन दिन कही आसी कि सबुदिन भूलीगले कहीं भावती ना जे अनैतिकता बा विश्वासघातकतारु कृष्ण को परी महापुरुष सुद्धा पार पाइन अनेक कहीं भावती ना जे जो अनैतिकता श्रीकृष्ण करते जो नीतिविहीन कार्य करते जो विश्वासघातकता करते निजर सांगसाथी सुदामा सुबल मधुमंगल सहित से कृष्ण परी महापुरुष महापुरुष माने आर्यव्रतर सबुठ श्रेष्ठ पुरुष जी श्रीकृष्ण ना नाई सीए मध्य पार पाइन ये जो अनैतिकता ताल तो आम तो शिक्षित समाज आम जब गाँ प्रति भली प्रवंचना करवा भली जब विश्वासघातकता करवा आम कौट पार पाई श्रीकृष्ण निजे तो पार पाइन एवं नंद जशोदा और गोपी गोपाल असीम स्नेह परिपालित तो होई शेष बेलू प्रवंचना कर कृष्ण गोपपुर छाड़ आसिले देखु नंद जशोदा जी कि वृद्ध वयस श्रीकृष्ण को प्राप्त होते श्रीकृष्ण को पाई नयनर पितुला थिले ना ना नंद दपंदीकर खुशी जिते पाई खुशी परिकल्पना आपत खुशी हो जाते गोपी गोपाल असीम स्नेह परिपालित होते कान्हू को न देखिले गोपी मैंने भात छुँ ना अन्नस्पर्श कर असीम स्नेह पालित होते श्रीकृष्ण किंतु शेष बेलू कौन है ना शेष बेलू प्रवंचना कर गोपवासी मानू ठकी कृष्ण गोपपुर छाड़ी मथुरा चली आसिले ना ना ताले जो से मथुरा चली आँ जशोदा केते बाहुनी बाहुनी कांदी श्रीकृष्ण हाँ आम देखीचे ना ना जो नवम श्रेणी जो पढ़ुते कि जो आम पूर्व श्रेणी मानक भी जी के मानने मान माँ जशोदा श्रीकृष्ण प्रति असीम स्नेह को आम देखा पाइबा हाँ नंद जशोदा चक्षु अंधीभूत हो गला नंद जशोदा चक्षु कौन हो गला अंधीभूत हो गला अंधार हो गला बा से माने अंध हो गले एवं प्रेममयी राधा शशिकला परी दिना और खीणा हो गले प्रेममयी राधा राधाराणी कौन हो गले शशिकला भली शशिकला भली माने पूर्णिमा पर जह्न जमी धीरे 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 कला हो जाए एवं अमावास्यार संपूर्ण रूपे कौन हो जाए विलीन हो जाए बा लुचि जाए से भली राधा प्रेममयी राधा आज कौन हो जाए ना दीना हो जाती क्षीणा हो जाती दीना कहले दुखित हो जाती क्षीणा मान दुर्बल हो जाती कितु कृष्ण आउ कौन फेरिले कि कृष्ण कर्ण से आउ कौन शुभिला कृष्ण कर्ण से आउ शुभिला ना 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 ताहले आउ कौन देखा ना महाभारतर समर को अंगुली निर्देश चलाई मथुरा ठार द्वारका पर्यंत दीर्घ पथ अतिक्रम कर से विपुल राज्य अपरिसीम विभव अभ्रंकश प्रसाद अष्टपाठवंशी और अगणित पुत्र कन्यार अधिकारी होई द्वारिकार बसीगले ताहले कृष्ण कौन कले महाभारतर महासमर आम जानी कुरुक्षेत्र युद्ध जोटा भाई भाई भितर नथिला एवं जादव वंश भितर भी थिला ना ना जादव वंश कहले कृष्ण थिले आमर पांडव पक्ष किंतु जो नारायण सेना थिला से दुर्योधन सपक्ष लड़ुला ताले से जो कुरुक्षेत्र जो भाई भाईर युद्ध ए समस्त भारत वर्ष सामिल होते ताले से जो महासमर को करे किए तार कर्णधार थिले किए ना महाभारतर महासमर को निज आंगुली निर्देश श्रीकृष्ण चलते ना ना देखो ये गोटे क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न आसवे आम जदि कह श्रीकृष्ण को महाभारतर कर्णधार कहुई कहीं महाभारतर महासमर को निज आंगुली निर्देश चलाई थी श्रीकृष्ण को महाभारतर बा महाभारतर कर्ण बोली कहुई तेणु मथुरा ठारु द्वारका पर्यंत दीर्घ पथ अतिक्रम कले आपण माने जानिथिबे जे मथुरा मथुरा जो श्रीकृष्ण आई रही गोपपुरु मथुरा रहा जरासंधर बार बार आक्रमण फल श्रीकृष्ण कौन कले मथुरु द्वारका पर्यंत दीर्घ पथ अतिक्रम कले द्वारक आसी राजधानी याले द्वारक आसी प्रसाद याले ना ना से श्रीकृष्ण को रणछोड़ बोली कहती ना एवं से विपुल राज्य अपरिसीम विभव अपरिसीम विभव प्रचुर विभव धन सम्पद विपुल राज्य जय कले
अष्टपाटवंशी अष्टपाटवंशी कहले श्रीकृष्ण आपण मैंने जानते हैं 16108 पत्नी थे भार्या थे किंतु भितर अष्टभार्या थे जहाँ को अष्टभार्या कहुए अष्टपाटवंशी से कहुए जे कि आम जदि कह किए ना रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती मित्रविंदा भद्रा कालिंदी एवं लक्षणा और सत्या ना नहीं थी अष्टपाटवंशी एवं अगणित पुत्र कन्यार अधिकारी हो द्वारिकार बसगले श्रीकृष्ण के पुह झी थे जदि आप जानते कमेंट बक्स में लिखे जे अगणित पुत्र कन्या तार अधिकारी हो अष्टपाटवंशी मानू धरी अभ्रकंश प्रासाद करी एवं अपरिसीम विभव विपुल राज्य जय कर सी आसी द्वारकार बसीगले भूलीगले गोपपुर कथा भूलीगले वृद्धामन कथा भूलीगले से कदम्ब मूल से जमुनाकूल कथा ना नाई ताल श्रीकृष्ण भली ये आजिकल जो शिक्षित समाज आम जब देखा से बहुत पाठशाठ पढ़ी आसी सहर से बसवास करुच्ची अगणित पुत्र कन्यार अधिकारी हो अष्टपाटवंशी धरी मानक धरी सी कौन कर मान नाटक अभ्रंकश प्रसाद तैयारी करती मान जोटा कह अट्टालिका तैयारी कर आज शिक्षित समाज रोच कि पासरी जाऊर पल्लीभूमि को निजर जो शिक्षित जो दिन शिक्षित होता है सी भूली जाऊँ ना नहीं देखु किंतु परिणाम कौन है परिणाम कौन है कौन भल है कृष्णंकर अभ्रंकश प्रसाद अभ्रंकश माने आकाश छुआ नवश्चुंबी प्रसाद अतल जलधि तल रे निमग्न होगला अतल अतल माने आम जदि कह अतल जलधि कह कौन गभीर समुद्र जल में सी आज कौन होमग्न होगला बुड़गला प्रसाद ना नहीं नवसंसार मद्यप वंश गोष्ठी नुआ संसार नुआकर गढ़ी संसार अष्टपाट वंशी थी संसार नव जो मद्यप वंश गोष्ठी और सांगसाथी प्रभास तीर्थर एरकार वन में परस्पर को हाणी ध्वंस हो गले जदुवंश ध्वंस हो गला जादव वंश ध्वंस हो गला ना नाई केमी ध्वंस है ना श्रीकृष्ण नवसंसार मद्यप वंशगोष्ठी मद्यप वंशगोष्ठी ना नहीं जदि आम देखा जो महाभारत महासमर पर जादव मैंने फेरी आसे रणक्षेत्र भितर गोटे कंदल सृष्टि होता द्वारकार ना नाई अहंकार चरम सीमा पलट जाता अहंकार ईर्षा विद्वेष आ प्रतिहिंसार युद्ध आरंभ हो जाता से परस्पर भितर कंदल देखा जाता अहंकार प्रतिजोगिता देखा जाता से ना नहीं तेणु आमर जब देखा से जो मद्यप वंशगोष्ठी मद्य मद्यप थे वंशगोष्ठी जो मद्यपान कले नारी मैंने लज्जा त्याग कले ना नहीं बड़ मानक ज्येष्ठ मानक कहीं मानले ना यही भाव जो सृष्टिर विनाश समय आसीगला ताफल कौन है ना सांगसाथी मैंने प्रभास तीर्थर एरकार वन में परस्पर को हाणी ध्वंस हो गले प्रभास तीर्थ जो तीर्थस्थान जो तीर्थस्थान को श्रीकृष्ण भल पाँच से प्रभास तीर्थर एरकार जंगल कहले सरवण सरवण तेल केमी होता ना जो श्रीकृष्ण जो आपण मैंने जानते हैं महाभारत महासमर में गांधारी श्रीकृष्ण को अभिशाप देते जे जेभली मो आखि सामने मोर सतपुत्र आज निधन हो जाती मरी जाती पृथ्वी एत सब राजा आज कौन होती धराशाही हो जाती लोटी पड़ती से भली तुम आखि सामने श्रीकृष्ण तुम वंश मध्य नाश जीवे ना ना तेल यही अभिशाप जो गांधारी श्रीकृष्ण को देती श्रीकृष्ण फेरी आसी समस्त कही तुम्हें समस्ते तीर्थजात्रा बाहरी जाओ प्रभास तीर्थर एरकार वन में एरका वन कहीं विशेषत्व बहन करे एरका वन आम जब देखा दिने कौन होता जो कृष्ण पुत्र थे सांब ताकू नारी बेश सजाई जो तो मुनि को प्रश्न कर भागवत लिखाई आप पढ़ी थे जे सांब को नारी बेश उदरे लौह पात्र धरी बरी ना मुनि की पचारिलु भावे ए गर्भ प्रसव प्रस्तावे शुणी कोशिले मुनि जने बनगहन पथश्रमे बोले गर्भे अच्छी काल निष्ठुर लौहर मुसल भूमि रे जदु वंश जेते लोहे मरीबे समस्ते ताले सांब को नारीवेश करते उदर से पेटरे श्रीकृष्ण पुत्र सांब जी कि बहुत सुंदर पेटरे गोटे लुहा मुसल को पुराई जाकि मुनि को पचारे आ पेटर कौन पुत्र अच्छी ना कन्या अच्छी से ऋषि अभिशाप देते ना त्रिकालदर्शित ऋषि सब जापारती ध्यान बल जापारे गोटे पेटरे लुगा तले गोटे लौह मुसल पुराई
कहुची जे मो पेटरे कौन अच्छी एवं ऋषि सेतबेले क्रोधान्वित होई अभिशाप देथिले जे जो जो तांगर अच्छी जो लोहर मुसल से कौन हम से लोहर मुसल रे जदुवंश सब ध्वंस पाई तेणु तापर से कौन होता ना से जो लोहर मुसल को घसी 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 समुद्र जल से पूरा लीन कर देते किंतु छोट गोटे लोह मुसलटे रही जाता जहाँ को घसी घसी जमा विलुप्ति हो पार ना समुद्र में बसई देते जहाँ को माछ ग्रहण कर गोटे मत्स्य ग्रहण करता जो मत्स्य को काटी जारा सभर से लुहाटा पाई से सर या जो सर से श्रीकृष्ण निधन होते कि जो लुहा को घसी घसी जहाँ को समुद्र जल में पूरा विलुप्ति करते ना ना से जो समुद्र जो निश्चिन्न हो जाता जो आमर मुसलटी सी आसी जो समुद्रकूल लगी समुद्रकूल लगला फल गोटे जंगल सृष्टि होता श्रवण ता ना हूँ एरका जंगल एरका जंगल जो घास घास उपाड़ी जो जादव मैंने परस्पर सांगे जो मानने गंडगोल है फल से जो आघात से जो एरकार जो से मुसल आघात जादुवंश ध्वंस हो जाता से जो तीर से श्रीकृष्ण नष्ट होते श्रीकृष्ण देह अवसान होता ताहले एई भली भावरे श्रीकृष्णंकर नवसंसारर मध्यप वंशगोष्ठी और सांगसाथी मध्य प्रभास तीर्थर एरकार वनरे परस्पर को हाणी ध्वंस होइगले ना नाही ताहले श्रीकृष्ण जो अभिशाप पाइथिले जे बहुत बांधव मध्य रहिब एकाकी ताहा घटीथिला राज्यहीन शेष समय राज्यहीन हो जाइथिले श्रीकृष्ण कोकुआ भय सृष्टि होइथिला जाक फलरे बलराम देह छाड़ी छाड़ जाइथिले गृहहीन शेष समय से प्रभास तीर्थर बालुकार से श्रीकृष्ण घूरी बुली थे और धनहीन शेष फेर चाहन द्वारका को पुत्र कन्याहीन से चाहून जे दुखरे अन्य माने दुखी हूँ बोली पुत्र कन्याहीन हो शेष बेलू महाभारतर कर्णधार निबिड़ अरण्यर लतिका दोल अवश अंग को ढाड़ीदे एवं सी कौन कले ना जो शेष बेलू महाभारतर जे कर्णधार जहाँ अंगुली निर्देश महाभारत बोली महासमर भारत वर्षरे सृष्टि होता शेषे सी कौन कले निबिड़ अरण्यर लतिका दोलारे माने आमर जदि कहिबा से लतिका दोलारे ना ना सियाली लटारे कौन होता निजर अवश अंग को ढाड़ीदे ना ना जशोदा मार कोल झुलणा एवं द्वारिका रत्न बिछणा को सब तुच्छ कर शांति करुणा शांति शांति आज श्रीहरि कौन कर सियाली लटार झुलणारे झुलुंट ना ना झूले झूले झुलणा नंद दुलणा ना ना जगते उड़ाई धर्मर बाना आज झूले झूले झुलणा नंद दुलणा एवं आम देखा ताल शेषे कौन है शेषे सुधा से शांति रही पारिना अवसंग को ढाली देती सियाली लटारे तथा से शांति आज मिलना तापर कौन हो ना अल्प क्षण पर दोलायमान पदपल्लवरे अभिशाप पर निष्ठुर लौह सरटी आसी पड़ा ना ना एवं अल्प क्षण पर दोलायमान पदपल्लवरे जो पाद जो पदपल्लव जो कहलपत्र परी पदपल्लव पद कहले पाद एवं पल्लव कहले कहलपत्र कहलपत्र परी जो पाद थिला पदपल्लव से अभिशाप पर आसी निष्ठुर लौह सरटीए पड़गला ना ना निष्ठुर लौह सरटीए पड़गला त्रेता युग कथा जदि आप देखिए जोबले आमर बाड़ी को निधन करते ना ना किए रामचंद्र लुचिकी यही भाव में जारा सवर आसी कौन कर सर मारी ना ना हरिणर कर्ण भली भाभी बाली हरिणर कर्ण बोली भाभी से आसी श्रीकृष्ण पद को जान नपारी कौन कर सरबिद्ध कर यह कृतकर्मर परिणाम यह कलाकर्मर परिणाम देखु माँ मातृभूमि को ठकी आज श्रीकृष्ण से बर्ती ना निज कृतकर्मर परिणाम पाई निज कलाकर्मर से परिणाम पाई मुझे नील रंग रंग जहाँकि सरलार्थ बहुत समय आसे ना ना तो जदि आम देखा जे गाँवर जो युवक मैंने उच्चशिक्षा लाभ करती अर्थ उपार्जन से कौन करती उपार्जन से मैंने पल्ली ग्राम को त्याग कर सहर जाए बसवास करती ना ना जी द्वापर युग में कृष्ण तीन दिन को कंट कर मथुरा जा गोपुर को फेरती ना न फेरी फेरी ना किंतु आज मध्य से जो शिक्षित समाज भाविया उचित जे जो पौराणिक गाथा तार के गुरुत्व जे कृष्ण का तुल्य महापुरुष अनैतिकतार परिणति भोग करते ना ना जो शेष समय संतानहीन गृहहीन धनहीन और राज्यहीन हो शेष बेल को बनभूमि व्याधस्वर से मध्य शेष निश्वास त्याग करतेर कृतकर्मर परिणाम यह समस्त शिक्षित समाज मन रखा उचित जो पाद
जो पाद गोपपुर गोचारण द्वारा चर्म पादुका पी कठिन हो जाता जो पाद गोपपुर गोचारण करूला नेलुना कहींपाई तो कठाऊ छता ना ना आप पढ़ीथे तेल जो पाद गोपपुर गोचारण द्वारा चर्म पादुका पी कठिन हो जाता पादुका भली कठिन हो जाता जो पाद कठौ भली पूरा टाण हो जाता कि द्वारिकार राजभोग से नवपल्लव पी रक्ताप हो पड़ा ताले ते ए जो गाई चरे गो चरे जाकर पाद जो कठिन हो जाता जिते राज्य शासन कले जो द्वारक आसी रत्न सिंहासन में बसीगले नवपल्लव पी पाद रक्ताप होगला ना ना एणु निर्बोध व्याध मन जे हरिण कर्ण भ्रम आनीदेव से विचित्रता कौन थी तेणु निर्बोध व्याध जरा शबर ना ना ता मनरे हरिणर कर्ण हरिणर बाली हरिणर कान भली जो भ्रम आनीदेव जो आम कह जो भ्रांति आनीदेव से विचित्रता कौन थी आश्चर्य कौन थी ये पाद जो लाल पाद देखा जाप मानने व्याध भाविला जे यहाँ हरिणर कान तेणु एचित्रता कौन तापर देखु प्रबंधिक ये कहते जे यही पुरातन गाथार सत्य रही ना ना यही पुरातन गाथार सत्य रही जो पुरातन तथ्य अच्छी सत्य बहु शताब्दी विस्मृति भेद करी आज आज आम मान पाखे पहुँची पारि बहु शताब्दी विस्मृति भेद करी बहु शताब्दी जो विस्मरण को आज एड़ाई दे आज आमको से गाथा आज आम पाखे पहुँची पारि कृष्ण नवराज्यर अभ्रंकश प्रासाद आउ ना श्रीकृष्ण प्रासाद आपण मैंने जानते हैं श्रीकृष्ण जोबले महाप्रणायण घटला प्रासाद वमर कह कौन आमर जो द्वारिकार जो प्रासाद समुद्र अतल जल कौन हो बुड़गला प्रासाद आउ ना कि मातृभूमि गोप वृंदावन जमुना गोपी गोपाल इत्यादि सब पूर्वपरि अच्छा आज भी गोपी गोपाल मान से पूर्व भली अच्छा कि कृष्ण नहांती आपन जदि निधिवन बोली गोटे जगह अच्छे जानते जोटि सबुदिन राति श्रीकृष्ण आसती रास रचना करती गोपी मानू धरी ना ना ताले आज से वृंदावन अच्छी से जमुना नदी आज भी बही जा गोपी गोपाल माने भी अच्छा मातृभूमि गोप भी अच्छी किंतु आज जो जमुना पूर्वपरि आज जमुना बही चली वृंदावन पुष्पित कदम्बरे आज मयूर उद्धत नृत्य देखा जाए ना ना आज दूरवंशी सन अनुढ़ा गोपकन्यार मन हेतुक अनाहूत व्याथार भाराक्रांत हो उठे चल आज भी आज पूर्व भली जमुना बही चली से जमुना कूल से कदम मूल जोटी श्रीकृष्ण दिने प्रेम रचना करुले रास रचना करुले ना ना ताले से पूर्व भली से जमुना भी आज बही चली वृंदावन पुष्पित कदम्बरे आज मयूर उद्धत नृत्य प्रदर्शन करुच्ची देखा आज दूरवंशी सन आज से वंशी सन अनुढ़ा गोपकन्या अनुढ़ा कहले कौन अविवाहित कुमारी जहाँ को आम कह कुरी से जो गोपकन्यार मन अहेतुक और अनाहूत व्याथार आज भाराक्रांत हो जाऊँगी ना ना अनाहूत कहले कौन जोटा आम कह आहूत न होता अनिमंत्रित जोटा कह जो व्याथार आज गोपकन्यार मन कौन हो भाराक्रांत हो जातु कृष्णंर कृष्ण सेठी आज नहांती से भली आज आम जन्मभूमि देखा जन्मभूमि से श्री अच्छी जन्मभूमि से पल्ली ग्राम से आज बहुत माने हाथ ढारी डाकुचे किंतु सेठी कृष्ण वमर जो शिक्षित समाज आज फेरी पार ना तो कृष्णंर यही अमर गाथर बहु कथा शिखबार अच्छी यह सत्य जे भारतीय अर्थनैतिक बेष्टन पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को थो जा एणु पाश्चात्य शिक्षार शिक्षित मैंने पाश्चात्य जीवनधारण मान अनुसरण करेंगे यह निश्चित कथा तेणु आज आम देखा जो अर्थनैतिक भारत में अर्थनीति को मानने आग रखापी जो अर्थनैतिक वेस्टर्न अच्छी भारत में से पाश्चात्य शिक्षा पद्धति बाहर देशर शिक्षा पद्धति आम जब कह इंग्राज शिक्षा पद्धति को थो दि जाणु पाश्चात्य शिक्षार शिक्षित मैंने जे पाश्चात्य जीवनधारण मान अनुसरण करेंगे यह निश्चित कथा तेणु पाश्चात्य शिक्षा जदि आम लाभ करवा तेल अनुसार आमर जीवन धारण मान बदली संस्कृति को आम आपण नवा मान को आम अनुसरण करवा यह निश्चित कथा तेणु यह निश्चित कथा साधारण कथा स्वाभाविक कथा तथापि बहु सहस्र शिक्षित मध्य जो मान जो मैंने से महानुभवतार परिधि को
पल्लीग्राम रु प्रथमे आरंभ करी विश्व पर्यंत व्यक्त करी पारिछंती सेही माने ही आम मानक नमस्य ताले को माने आम मानक नमस्य कहा को आम हाथ आपे आपे उठी जीव माने जुहार पाई किए से ना जो माने जो पल्लीर जो बहु शिक्षित बहु सहस्र शिक्षित जो माने तांकर महानुभवतार महानुभवता कहले तांकर जो उदार स्वभाव ताकु पल्ली भूमि रु आरंभ करी आज विश्व दरबार रे ताकु व्यक्त करिचंती ना नाही पल्ली रु दिल्ली पर्यंत निजर गांर महनीयता को प्रकटित करिचंती सेही माने ही हमर नमस्य सेही माने ही हमर पूजार योग्य तापर देखंतु प्रबंधक कोन कहउचंती किंतु एही स्वाभाविक पंथा छाड़ी जो माने ए जो महानुभवतार पंथा को ग्रहण न करी जो माने केवल ग्रीष्य देवता एटलास परी समस्त विश्वर भार बहन करचंदी बोली कुब्ज होई चालंती से माने खाली प्रवंचना करंती किंतु आज आमर देखै हेबा गुण ना नाही करूतुवा कम किंतु कहूतुवा बेसी ना नाही तेनो आमर जो माने ग्रीष्य देवता एटलास परी विश्वर समस्त भार बहन करते आमे जानि जे एटलास होचंदी किए एटलास होचंदी ग्रीस देशर देवता बा आमे जदि कहबा ग्रीष्य देशर देवता ग्रीस देशर पुराण रे वर्णित अछि तांकर से जो वीर से पृथ्वी को मुंडाई धरिचंती एवं पृथ्वीर बाहर बही बही से आज कुब्ज हो जाचंती बा कुजा हो जाचंती किंतु आमे माने देखि देखिबा आज शिक्षित माने समाज मध्य सेया कहूची देखै हेबा गुण जे अल्प करथिबे किंतु कहिबे प्रबल नथिले से माने किछि काम होबोन जेमिति ना नाही से माने खाली प्रबंधना करंती आजकल शिक्षित समाज सेमिति माने समस्तक कोन करंती ठकंती जे भल ग्रामवासी नुहे से भल ओडिशावासी नुहे जे भल गाँवर लोक हो पारानी से ओडिशार कि भली हेब जे ओडिशार लोक हो पारानी से भारतर लोक कि भली हेब जे भारतर लोक हो पारानी से भल विश्ववासी कि भली हेब ताले भल विश्ववासी आमे काहा कहिबा ना जे भल ग्रामवासी जे भल ग्रामवासी हला से भल ओडिशावासी हेब जे भल ओडिशावासी हला से भल भारतवासी हेब जे भल भारतवासी हो पाइला से तो भल विश्ववासी से भल विश्ववासी भाव परिगणित हुए ना नाई ताले काहा को हम भल विश्ववासी बोली कहि परबा ना जे माने पाश्चात्य शिक्षार समस्त निगड़ समस्त बंधन को छिन्न करी जो माने पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा को छिन्न करी से मानकर महानुभवतार परिधि की प्रथमे पल्ली रु आरंभ करंती निजर मातृभूमि निजर मातृभाषा को गुरुत्व दियंती एवं निजर पल्ली को से दिल्ली एवं विश्व सांगरे परिचित करंती से माने पल्ली रु आरंभ करी समग्र ओडिशा एवं भारतवर्ष को व्याप्त करि पारंती निजर गाँ संस्कृति गाँ माटीर महक को जो माने खेलाई पारंती सेही माने ही आमर नमस्य होंती सेही माने ही प्रकृत रे भल ग्रामवासी एवं सेही माने ही भल ओडिशावासी एवं सेही माने ही भल भारतवासी एवं भल विश्ववासी देखंदु एठी माने प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही किभली शिक्षित समाज को जो देइचंती कोन परामर्श देइचंती ना नाही ता जो शिक्षित मनीष निकट में जन्मभूमि प्रति जो उदासीन मनोवृत्ति देखाई किभली काटि परिबा आमे ना नाही आमे जन्मभूमि को न पासरी आमे मने पकाइबा एवं तार परंपरा को आमे हृदयंगम करिबा उचित ना नाही एवं गाँव कर्म योजना आमे मध्य सामिल होवा दरकार जहाँफल आमको भल ग्रामवासी भल ओडिशावासी भल भारतवासी भल विश्ववासी बोली आमे परिचित हो पारिबा ताले एहा थिला जो प्रबंधटी ताकु आमे आज परिसमाप्ति कले आशा करे आपण माने समस्त वीडियो देखिथिबे जदि देखि नाहंती मु आई बटन रे लिंक देछि बा आमर डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाकि देखि नियंतु प्रबंधटी बहुत बढ़िया प्रबंधटी आपण ताकु बुझंतु पढ़ंतु एवं जहाँ फल परीक्षा में आपंकर भल नंबर रहिबो रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।